उस कक्ष पर पहरा देने के लिए कई राक्षस सैनिक वहां खड़े थे। सेनापति चंद्रहास को देखकर वो सतर्क हो गए और उन्होंने तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही सेनापति चंद्रहास उन वैज्ञानिकों के पास गए जो अभी भी किसी चीज पर काम कर रहे थे और उनसे कहा, हमें भयंकरा को छोड़ना होगा। ये सुनकर सारे वैज्ञानिक एकदम आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि युद्ध इतना भयंकर मोड़ ले लेगा कि भयंकरा को आजाद करने का समय आ जाएगा। भयंकरा एक बहुत ही विशाल जानवर बनाया गया था जिसे कालनाथ के वैज्ञानिकों ने बनाया था, पर उन्हें हमेशा ये लगता था कि भयंकरा को आजाद करने जैसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी। सेनापति चंद्रहास की बात सुनकर वे दो पल स्तब्ध ही खड़े रहे। तब सेनापति ने उन्हें कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसे खोलो। ये सुनकर वैज्ञानिक होश में आए और भयंकरा को आजाद करने की तैयारी में लग गए। भयंकरा को बड़े ही सुरक्षित तरीके से रखा गया था। किसी सामान्य लोहे की सलाखों के पीछे भयंकरा को बंद नहीं किया गया था। उसे आजाद करने में भी कुछ समय लगने वाला था क्योंकि वो भी एक जटिल प्रक्रिया थी। उस तरफ द्वीप पर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था, हर तरफ हाहाकार मचा था और विजयदेव के मन में अभी बस एक ही चिंता थी कि कालकूट विष को कैसे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए जहां से उसके टूटकर वातावरण में फैलने की चिंता ना रहे। विजयदेव इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनकी नजर वेदिका पर पड़ी। वेदिका भी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। तभी विजयदेव ने जोरों से वेदिका को आवाज लगाई और अपने पास आने के लिए कहा। विजयदेव की पुकार सुनकर वेदिका तुरंत ही उनकी ओर दौड़ पड़ी। वेदिका के वहां पहुंचते ही विजयदेव ने उससे कहा, वेदिका तुम्हें तो पता ही है कि सारे देवताओं की शक्तियां इस द्वीप पर काम नहीं करती और ये कालकूट विष कांच के बर्तनों में ऐसी असुरक्षित जगह पर रखा गया है कि जहां से इसे कोई भी फोड़कर कालकूट विष को वातावरण में फैला सकता है। इसलिए इस कालकूट विष के इस कांच के बर्तन को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम अपने कुछ खास सहेलियों के साथ इस कालकूट विष को उठाकर देवलोक ले जाओ और उसे वहां किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। ये सुनते ही वेदिका ने इस बात के लिए हामी भरी और अपनी सहेलियों को वहां इकट्ठा किया और उन सब ने मिलकर बड़ी ही सावधानी से कालकूट विष के उस कांच के बर्तन को उठाया और देवलोक जाने के लिए छलांग लगाई। वेदिका और उसकी सहेलियां जैसे ही आसमान में उड़ने लगी, कालकूट राक्षसों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिया। अलग अलग हथियारों से वे सब उस पर वार कर रहे थे, कोई धनुष बाण से तो कोई किसी और हथियार से। कुछ राक्षस तो पत्थर भी फेंक कर उस कांच के बर्तन को तोड़ना चाह रहे थे, पर किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था क्योंकि वेदिका और उसकी सहेलियां कुछ ही देर में काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उस तरफ बुआ के बंदी बनने का एक फायदा हुआ था कि बुआ को आराम मिल गया था। बुआ इस युद्ध से पहले भी आयशा को ढूंढने के लिए सारी रात जंगलों में दौड़ती और कूदती रही थी, जिसके कारण वो थक चुकी थी, लेकिन उन्हें थोड़ा आराम मिल गया और जो थकान थी वो सारी निकल गई, जिसकी वजह अब वो दुगनी ताकत से कालनाथ की पत्नियों के साथ युद्ध कर रही थी। आयशा भी अपना विकराल रूप लेकर युद्ध किए जा रही थी। बुआ कालनाथ की एक पत्नी के साथ लड़ चुकी थी और उन्हें इन सबके पैंतरे पता चल गए थे। जो गलतियां बुआ ने पिछली बार कालनाथ की बीवी के साथ लड़ते हुए की थी, वो गलतियां बुआ अभी टाल रही थी, जिसकी वजह से बुआ भी उन सब पर भारी पड़ रही थी। बुआ और आयशा बड़ी चतुराई से इन राक्षसियों से लड़ रही थी। कभी आयशा उनका ध्यान बटाती और बुआ उन पर वार करती, तो कभी बुआ उनका ध्यान बटाती और आयशा उन पर वार करती। एक एक करके बुआ और आयशा ने कालनाथ की सारी बीवियों को इतना घायल कर दिया था कि उनमें से एक भी अब उठने के लायक नहीं थी। वे इतना लहूलुहान हो चुकी थी कि लड़ने के काबिल नहीं बची थी। और इस तरफ आयशा और बुआ के शरीर पर भी काफी जख्म लगे हुए थे। उस तरफ अरमान अपनी आंखों में गई मिट्टी को साफ कर रहा था। मिट्टी साफ करते ही उसने इधर उधर देखा, पर उसे सेनापति चंद्रहास कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने सेनापति चंद्रहास को ढूंढने की थोड़ी और कोशिश की, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। इसलिए उसने आसपास के सैनिकों से पूछा कि किसी ने सेनापति चंद्रहास को देखा है क्या। इस पर किसी ने अरमान को बताया कि वे उस गुफा की ओर गए थे। ये सुनकर अरमान तुरंत ही उस ओर चल पड़ा। उस तरफ कालराज और कालनाथ में संघर्ष फिर से शुरू हो चुका था, पर अभी कालनाथ थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा था और कालराज इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उस पर हावी हो रहा था।
पहले की तरह कालनाथ खुद को कालराज के वार से बचा नहीं पा रहा था और लगभग हर बार खुद के शरीर पर वार झेल रहा था। अब ऐसा लगने लगा था कि किसी भी पर कालनाथ टूट कर जमीन पर गिर जाएगा और फिर से उठ नहीं पाएगा। उसके शरीर के घाव गहरे हो चुके थे और उसकी थकान दिखाई पड़ रही थी। कालराज को भी यह समझ आ गया था कि बस अब कुछ आखिरी वार कर दे तो कालनाथ फिर से उठ नहीं पाएगा। तभी सबको समुद्र की ओर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। द्वीप पर जो भी था वो इस दहाड़ को सुनकर एकदम हैरान रह गया। जहां से आवाज आई सब उस ओर देखने लगे और उन्हें दिखा कि एक बहुत ही विशाल जानवर समुद्र से बाहर निकल रहा था। ये कोई और नहीं भयंकरा था। इसके दो विशाल पंख थे, चार पैर थे, हाथी जैसी लंबी सूंड थी, सिंह जैसे तीक्ष्ण दांत थे। सर पर बालों की जगह उसके शरीर पर जहरीले सांप थे। सारे सांप एक साथ फुफकार रहे थे। इन सांपों की आवाज से भयंकरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सारे सैनिक जो भयंकरा को देख रहे थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। उनका मनोबल भी गिर चुका था। हर कोई ये सोचने लगा था कि इतने विशाल जानवर को कैसे काबू में लाया जाएगा। समुद्र से पूरी तरह बाहर निकलने के तुरंत बाद भयंकरा द्वीप पर दौड़ पड़ा और सीधा देवताओं और काल के राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के कुछ ही देर में भयंकरा ने काल के राक्षसों और देवताओं के कई सारे सैनिक मार दिए थे। जितनी बड़ी हानि भयंकरा ने कुछ ही क्षणों में कर दी थी उतनी बड़ी हानि तो युद्ध की शुरुआत से अब तक नहीं हुई थी। ये देखकर विजयदेव, बुआ, आयशा, कालराज इन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। भयंकरा को ये सब करते देख थके हुए कालनाथ ने बहुत जोरों से ठहाके लगाए और कहा, यही है मेरा ब्रह्मास्त्र, अब यही करेगा मेरे सपने को पूरा। भयंकरा को सारे मुख्य लोग पता थे और ये भी पता था कि किन पर आक्रमण करना है और किन पर नहीं। तो जैसे ही उसकी नजर विजयदेव और बाकियों पर पड़ी वो उनकी ओर दौड़ पड़ा और उन पर वार करने ही वाला था कि कालासुर उस पर झपट पड़ा। दोनों ही इतने विशाल थे कि दोनों की भिड़ंत से पूरा द्वीप कांप उठा था और धरती पर खड़े बहुत लोगों ने अपना संतुलन खो दिया। कालासुर तो एक राक्षस था जो बहुत विशाल था, पर भयंकरा एक जानवर था जिसके पास वार करने के लिए कई विकल्प थे। जैसे अगर कालासुर उसके विशाल पंजों को रोकने की कोशिश करता तो भयंकरा अपने नुकीले दांतों से उस पर प्रहार करता। अगर कालासुर एक हाथ से पंजों को संभाल कर दूसरे हाथ से उसके मुंह को संभालता तो वो अपनी सूंड से उस पर जोरों से वार करता। इन सारी चीजों के अलावा भी उसके शरीर पर जो जहरीले सांप थे वो भी कालासुर को बहुत हानि पहुंचा रहे थे। दोनों की विशालता तो लगभग समान थी पर भयंकरा कालासुर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। कालासुर उस पर एक बार वार करता तो वो उसका जवाब कई गुना तेजी से और ज्यादा ताकत से देता। युद्ध करते करते कालासुर ने सोचा, अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा तो भयंकरा को नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कालासुर के दिमाग में एक युक्ति आई। वो जोर से भयंकरा की ओर दौड़ा और उसे कस के पकड़ लिया और उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगा जहां से वो खुद पाताल लोक से बाहर आया था। कालासुर बहुत ही धीरे धीरे उस गड्ढे की ओर बढ़ रहा था क्योंकि भयंकरा बहुत ही भारी तो था ही, पर कालासुर ने जब उसे पकड़ लिया था तब कालासुर पर वो लगातार घाव करते जा रहा था। कालासुर सारे घाव अपने शरीर पर सहते जा रहा था और उसे बस खींचते हुए उस गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। भयंकरा खुद को कालासुर की गिरफ्त में पाकर बहुत ही तिलमिला उठा था। वो दहाड़ रहा था और अपनी हर कोशिश कर रहा था जिससे वो उस गिरफ्त से बाहर आ सके, पर कालासुर ने अभी अपना इरादा बना लिया था और वो हर बीतते पल के साथ उस गड्ढे के नजदीक आते जा रहा था। भयंकरा कालासुर पर बिना रुके लगातार एक के बाद एक वार किए जा रहा था। उसके सांप उसे डसते जा रहे थे। वो अपने नाखूनों से कालासुर के शरीर पर बहुत गहरे घाव कर रहा था। उसकी सूंड से उसने कालासुर के गले को बहुत जोर से लपेटकर उसे दबा दिया था। इन सारे वारों को खुद पर सहते हुए कालासुर मन में ही सोचने लगा, मैं तो अब जिंदा बच नहीं पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो भयंकरा से लड़ना बाकियों के लिए नामुमकिन हो जाएगा
और देखते ही देखते भयंकरा इंसानों का वजूद मिट्टी में मिला देगा। मैं मरूंगा तो मरूंगा, पर इसे भी साथ लेकर मरूंगा। इसे जीवित छोड़ना मतलब काल के राक्षसों का अंत। भयंकरा से शुरुआत के युद्ध में कालासुर को यह पता चल गया था कि उसके शरीर पर जो सांप है, उनका जो मूल है, अगर वहां से इन्हें पकड़ा जाए तो भयंकरा को बहुत दर्द भी होता है और वो सांप ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचा पाते। इसलिए कालासुर ने एक हाथ से सांपों की जड़ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से भयंकरा की सूंड को अपने हाथ में लपेट लिया और उसे बड़े ही कष्ट से धीरे धीरे उस गड्ढे की ओर ले जा रहा था। भयंकरा की चीखें बहुत ही डरावनी थी। सबके मन में यही डर था कि अगर गलती से कालासुर के हाथों को छूट जाता है तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कुछ देर के संघर्ष और अपने शरीर से बहुत सारा लहू खो देने के बाद कालासुर भयंकरा को उस गड्ढे तक लाने में कामयाब रहा। वहां तक लाने के बाद कालासुर ने उसे उस गड्ढे के अंदर धकेल दिया। वो गड्ढा सीधा पाताल लोक जाता था। जैसे भयंकरा उस गड्ढे में गिरा, काल के राक्षसों और देवों के सैनिकों ने चिल्लाकर खुशियां मनाई और कालासुर का आभार व्यक्त किया। ये देखकर कालराज, विजयदेव और बुआ ने भी चैन की सांस ली। कालनाथ ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और उसका मनोबल अब चूर चूर हो चुका था। भयंकरा को उस पाताल लोक के गड्ढे में गिराने के बाद कालासुर खुद भी उस गड्ढे में कूद पड़ा और सोचने लगा, आज मरेंगे तो दोनों साथ में। कालासुर का शरीर खुद के लहू से पूरा भीग चुका था। उसे पता था कि वो अब ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएगा। पाताल लोक में जो लावा बहता था, कालासुर उस लावे की ओर भयंकरा को खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। वहां की इतनी गर्मी से कालासुर के घाव भी जल रहे थे, पर उसे किसी और चीज की जैसे परवाह ही नहीं थी। उस ओर राजन देव जब समस्त परमाणु संपन्न देशों के मुख्यमंत्रियों के सामने उनका मन परिवर्तित करने के लिए पहुंचे और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे, तब द्वीप पर देवों की सारी शक्तियां छिन चुकी थी, जिस वजह से वे पृथ्वी पर बड़ी मुश्किल में आ पड़े थे, क्योंकि ये कार्य करने के लिए उन्हें अदृश्य होना था और शक्तियां छिन जाने के कारण वे अब सबको दिखाई पड़ रहे थे। जब कोई भी अदृश्य नहीं हो पा रहा था, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, पर जैसे तैसे इन सारे देवताओं ने खुद को छिपा लिया। ये सारे देवता बड़े हाई प्रोफाइल जगहों पर मौजूद थे, इसलिए उनका वहां अदृश्य होना बहुत ही जरूरी था। कुछ देवता पकड़े गए और बड़ी मुश्किल में आ पड़े। वे कौन थे, कहां से आए थे, यहां क्या कर रहे थे, इन सब सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कई देशों ने तो इन्हें शत्रु देश का जासूस समझ लिया था। जिन देश में कानून की व्यवस्था अच्छी थी, उन देश में तो इन देवताओं को कैद में डाल दिया गया था, पर जिन देश में कानून की व्यवस्था इतनी खास नहीं थी, या फिर जो देश दुनिया में अपनी सख्त नीतियों के लिए बदनाम थे, उन देशों ने तो इन देवों को सीधे ही मौत की सजा सुना दी थी। इनमें राजन देव तो खुद को छुपाने में कामयाब हो चुके थे, पर जैसे ही द्वीप पर देवताओं के पास उनकी दिव्य शक्तियां लौट आई, वैसे ही सारे देव फिर से अदृश्य हो गए। मन ही मन सबने एक राहत की सांस ली, पर अभी भी उनके समझ नहीं आ रहा था कि उनकी शक्तियां आखिर गई कहां थी। वापस अदृश्य होने के बाद सारे देवता इस डर से जल्दी से अपने काम पर लग गए कि कहीं फिर से उनकी शक्तियां छिन ना ले, और बहुत हद तक अपने काम में सफल भी हुए। सारी दुनिया में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। कालासुर भयंकरा को बड़ी मुश्किल से बहते लावा तक ले आया था। ऐसा लग रहा था कि कालासुर कभी भी जमीन पर गिर जाएगा और अपने प्राण त्याग देगा, और कालासुर ने भी ये ठान ली थी कि किसी भी तरह भयंकरा का आज अंत होना ही है, और हुआ भी यही। कालासुर भयंकरा को लेकर उस बहते लावा के किनारे तक पहुंचा और उसे लेकर उस लावा में कूद गया, और देखते ही देखते दोनों उस लावा में समा गए। अब कालनाथ आगे क्या करेगा? क्या ये युद्ध समाप्त होने के कगार पे है? युद्ध खत्म होने के बाद आयशा और अरमान के बीच क्या होगा? विजयदेव कालकूट वश के साथ क्या करना चाहते हैं? जाने के लिए सुनते रहिए फना।